नमस्कार। बिफोर प्रिंट में आज की सबसे बड़ी खबर, जो 5 राज्यों में इलेक्शन की घोषणा की गई है, चुनाव तिथियां बताई गई हैं, उसके तहत इस बार जो इलेक्शन कमिश्नर हैं उनका कहना है कि 3 जो मुख्य बिंदु हैं उनके अंतर्गत, उनके तहत ही इस पूरे प्रोग्राम को चार्ट आउट किया गया है। उसमें सबसे पहला जो बिंदु उन्होंने बताया कि कोविड सेव इलेक्शन वो किस तरह से रखेंगे, इसका प्रबंध किया गया है। दूसरा जो पॉइंट उन्होंने बताया कि हैसल फ्री इलेक्शन, यानी कि जो दिक्कतें आती हैं उसमें जो पहले मीटिंग की गई है, जो दिक्कतें चुनाव के दरमियान आती हैं उसको दूर करने की का काम किया जाएगा। साथ में ज्यादा से ज्यादा जो वोटर टर्नआउट है उसको कैसे बढ़ाया जाए, लोगों की जो मतदाता है उनकी भागीदारी किस तरह से बढ़ाई जाए, उनकी संख्या किस तरह से बढ़ाई जाए, इस पे काम करना है। और इसके तहत लगभग 900 ऑब्जर्वर 5 राज्यों में लगाए गए हैं। और इसमें जो नो योर कैंडिडेट ऐप के तहत आप अपने कैंडिडेट्स के विषय में जानकारी ले सकते हैं, और कैंडिडेट के विषय में उसका क्या आपराधिक इतिहास है उसकी भी जानकारी आपको मिलेगी इस नो योर कैंडिडेट ऐप के तहत। साथ में जो एक नया ये किया गया है कि इसमें जो दिव्यांग हैं और 80+ के जो बुजुर्ग लोग हैं और कोविड से प्रभावित वोटर्स हैं उनके लिए पोस्टल बैलेट का इंतजाम किया गया है। साथ में इसका पैसों का दुरुपयोग ना हो, इसलिए इस पर जीरो टॉलरेंस की बात की जा रही है। और ये कहा जा रहा है कि गैर कानूनी धन और शराब पर सख्त नजर रखने की बात की जा रही है। साथ में जो सरकारी मशीनरी है, उसका हमेशा आरोप लगता है कि सरकारी मशीनरी जो सत्ता में लोग रहते हैं वो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, उस पर भी आयोग की सख्त नजर रहेगी। तो ये एक बड़ा पॉइंट है। और एक इसमें सुविधा ऐप ये दिया गया है जिससे कि आप ऑनलाइन जो नामांकन है उस प्रक्रिया को कर सकते हैं। तो कैंडिडेट के लिए एक अच्छी चीज़ है कि वो अब भीड़ भड़ाके से और दूर रह के ऑनलाइन अपना आवेदन कर सकता है। इसको भी शामिल किया गया है। साथ में पहली बार 40 लाख खर्च सीमा तय कर दी गई है कि एक कैंडिडेट जो है वो चुनाव में 40 लाख से ज्यादा खर्च नहीं कर सकता। तो ये कुल मिलाकर जो बिंदु है ये इस बार बताते हैं कि इलेक्शन कमीशन मूड में है और वो कोशिश कर रहा है कि जो दिक्कतें हैं पुरानी उनको खत्म किया जाए, भ्रष्टाचार को से दूरी बनाकर रखा जाए इस मतदान को, और साथ में जो गाइडलाइंस हैं उसका कड़ाई से पालन हो, क्योंकि इस समय कोविड की समस्या बहुत ज़्यादा है। उसको देखते हुए 15 जनवरी तक के लिए जितनी भी नुक्कड़ सभाएं हैं, रैलियां हैं, पदयात्रा हैं और जो साइकिल यात्रा हैं, इन पे सब पे रोक लगा दी गई है। साथ में इलेक्शन कमिश्नर का सुशील चंद्रा जी का ये भी कहना है कि जो 15 जनवरी के बाद की जो स्थितियां होंगी वो उस पर चर्चा होंगी, और फिर उसके बाद बताया जाएगा कि ये जो आपके ऊपर प्रतिबंध लगाए गए हैं इसको आगे जारी रखना है या इसमें थोड़ी सी ढील देनी है। तो अभी तक के लिए इतना, और देखते रहिए बिफोर प्रिंट में चुनाव में से जुड़ी हर एक खबर को लगातार बार बार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।